फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्स एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्स प्राइम सील वॉल सीलर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-21-23-494 पर। समय बताएगा किसके पक्ष बदलेगा। तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जनता की सेवा पे जिस तरह काम कर रहे हैं, 88,764 नौकरियां 7.5 साल में मुख्यमंत्री ने दे चुके हैं। इससे पहले जो सरकारें बनी उन सब भी आंकड़ा ले लेना, उनके टाइम के जितनी नौकरी लगी हैं, शादी होगी, बच्चे बड़े हो गए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया, उन परिवार की हालत क्या होगी। मेरे 88,000 की नौकरियों में से एक भी परिवार का किसी भी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। काम हमने किए हैं, उन्होंने पॉलिटिकल मारे हैं। मैं भी आप जैसा मित्र मेरे साथ चंडीगढ़ बैठा था, कहता मुख्यमंत्री को फेंका करो। मैं फेंकना क्यों होता है, कहता झूठ बोला करो, ये कलम और पेन वाली जो शाही लेके मुख्यमंत्री जी बैठ जाते हैं ये ना करें। मेरा मुख्यमंत्री हर विधानसभा को पहले बारीकी से देखता है, उसकी स्टडी करता है, भौगोलिक स्टडी करता है। वो काम होने वाला तो बोलते हैं, नहीं होने वाला तो काट देते हैं, झूठ नहीं बोलते, पत्थर ऐसा नहीं लगाते। मेरे रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 बार रेलवे एलिवेटेड के पत्थर लगाए, पावन बंसल ने, मल्लिकार्जुन ने, दोनों बार पत्थर टूट गए। लगाया किसने, मनोहर लाल ने लगाया, किसने, रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने। और 5 साल में रेलवे एलिवेटेड पूरा को जनता को समर्पित कर दिया। हम झूठ नहीं बोलते, सच्चाई की राजनीति मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं किया, सत्यानाश किया है। अभी तो एक सीट बची है उनकी, अभय चौटाला की। यही अगर झूठ की राजनीति को करते आ रहे हैं इतने लंबे समय से, मात्र एक पे रह गए। आप मैंने कहा कि कुर्सियां कल तक बिछ जाएंगी, आप अपना कैमरा के गिन के उससे फिर गिनाना, फिर देख लेना किसकी कुर्सी ज्यादा है। लगभग 15 रोज पहले मुख्यमंत्री जी सिरसा में आए थे, बहुत सारी परियोजनाओं को वो यहाँ पे घोषणा भी करके गए, और फिर थोड़े से अंतराल के बाद फिर रैली होने जा रही है। क्या इस सिरसा को लेकर या इस इलाके को लेकर कोई विशेष रणनीति है बीजेपी? नहीं, ऐसा कोई रणनीति नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैंने कहा 2 साल के कोविड के दौरान प्रदेश में उन्हें जाना कम था, इसी बीच में किसी न किसी में हरियाणा के मुख्यमंत्री रोड पर रहने वाले हैं। आपका उनका पिछला भी कार्यकाल देख लो 5 साल का, और वर्तमान में कार्यकाल देख लो, वो नीचे फील्ड में रहने वाले हैं। वो बार एक बार नहीं 10 बार आएंगे सरसा, प्यार करते हैं सरसा की जनता, मुख्यमंत्री से प्यार करती है। कार्यकर्ताओं बीच में और जनता के बीच में रहना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का स्वभाव है। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं मिल पा रहा सरसा को, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है, शिलान्यास इस रैली में हो पाएगा, क्या करेंगे? देखो उसकी जो मैंने कहा तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो जरूर होगा, कहीं ना कहीं कागजों के अंदर जो स्टडी कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है घोषणा करी वो नहीं बनेगी, 100% बनेगा, आपको वादा कर रहा हूँ मैं।